बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का लदम करा देते हुए कौमी असम्बली बहाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के पांचों जजेस ने मिलकर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की असम्बली तोड़ने के एडवाइस को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस नहीं कर सकते थे, अब तक के इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी थे। अदालत ने सदर के अबूरी हुकूमत के हुक्म को भी कल अदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल करते हुए 9 अप्रैल को हफ्ते की सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्पीकर इजलास बुलाकर तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग कराएंगे। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और किसी भी रुकन कौमी असम्बली को वोट कास्ट करने से नहीं रोका जाएगा। चीफ जस्टिस ने चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया हुआ था, इनके दरमियान भी इलेक्शन के हवाले से बातचीत हुई। अब बात यहां तक आ पहुंची है कि तहरीके अदम एतमाद की तलवार फिर से इमरान खान के सर पर लटक रही है। इस तलवार से छुटकारा पाने के लिए इमरान खान को वोट की बर्तरी जरूरी है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल फॉर ऑल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज आपको बर वक्त मिल सकें।